हेलो फ्रेंड्स, VFX मैजिक चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लेंडर में कैसे आप कोई एक फुटेज के ऊपर आप कैसे सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन हटा के। तो सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट के ऊपर आया हूँ और उस वेबसाइट का नाम है पिक्सबे। तो इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री फुटेज मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे एक सर्च बटन है, राइट। सर्च बटन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टाइप करोगे ग्रीन स्क्रीन, तो ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारे आपको फुटेज यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें आज के लिए चाहिए एक सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब टाइप कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइब अलग अलग सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको चाहिए तो वैसा ही सब्सक्राइब बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फ्री डाउनलोड है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग रिजोल्यूशन है, राइट। तो आपके हिसाब से जो रिजोल्यूशन आपको चाहिए तो वही रिजोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यूजुअली यूट्यूब के लिए 1920 और 1080 जो फॉर्मेट है तो वही फॉर्मेट यूज़ होता है, तो उसी को सिलेक्ट करना है और ये डाउनलोड बटन हिट करना है। तो मैंने दो फुटेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ तो वो हम लोग आज यूज़ करेंगे। तो अभी सीधा चलते हैं ब्लेंडर में। तो जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है वो 100% फ्री सॉफ्टवेयर है, तो वो जाके आप डाउनलोड कर लेना पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक करना है कॉम्पोजिटिंग में। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एक ऑप्शन है यूज नोड्स, राइट। तो इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दो नोड आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये दो नोड कनेक्टेड है, तो ये इमेज है, इमेज से हम लोग ये डिसकनेक्ट कर देंगे और ये रेंडर लेयर जो ऑप्शन है ये हमें नहीं चाहिए, ये हटा देंगे। ये कॉम्पोजिट जो है ये हमें चाहिए होगा। उसके बाद ऐड में जाएंगे, उसके बाद इनपुट, क्योंकि हमें इनपुट को लेना है यहाँ पे। उसके बाद मूवी क्लिप सिलेक्ट करना है, तो मूवी क्लिप में यहाँ पे ओपन है, ओपन को क्लिक करेंगे और मैंने ऑलरेडी एक पाथ कॉपी करके रखा हूँ तो मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दो फुटेज है, राइट। एक तो मेरा बैकग्राउंड है और एक है मेरा बटन जो ग्रीन स्क्रीन में है। तो पहले ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज जो है वो उसको ओपन कर लूंगा। तो ये देखिए ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे व्यू में कुछ दिखा नहीं रहा है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड में जाना है, आउटपुट में, उसके बाद व्यूअर, एक व्यूअर लेना है, ठीक है। ये जो इमेज है, इमेज को यहाँ पे इमेज से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन वाला अपना सब्सक्राइब वाला जो बटन है तो वो आ चुका है। तो ये बीच का कोई एक फ्रेम में आएंगे जहाँ पे ये हाथ भी दिख रहा है और सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहला गोल क्या है कि ग्रीन स्क्रीन को पहले हटाना है, राइट। अभी एक शॉर्टकट के बारे में जानते हैं, जो वी बटन है कीबोर्ड का। तो वी जैसे क्लिक करेंगे ये जूम आउट है और ऑल्ट वी जो है वो जूम इन के लिए यूज़ होता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है ताकि आपका जो काम रहेगा वो करने के लिए इजी रहेगा। अभी थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लिया मैंने। तो अभी देखिए मेरा जो फुटेज है, ये फुटेज का जो साइज है ये यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे आपको आना है आउटपुट प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे जैसे आओगे यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिजोल्यूशन है, राइट। रिजोल्यूशन में क्या है, 1920x1080, क्योंकि मेरा फुटेज, ये वाला फुटेज और दूसरा जो मैं फुटेज इंपोर्ट करूँगा बैकग्राउंड के लिए, दोनों का साइज सेम है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि दोनों फुटेज का साइज सेम है। लेकिन मान लीजिए ये आपका एक फुटेज का साइज बहुत छोटा है या बड़ा है तो दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। ऐड में जाना है आपको और डिस्टॉर्ट में जाना है, सॉरी, ऐड डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में जाने के बाद स्केल क्लिक करना है, ये स्केल को बीच में यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे बीच में लाके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे आपने सेटिंग कर लिया रिजोल्यूशन में, एक्स एंड वाई में, तो उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये रिलेटिव है, राइट। तो इसको जाके हमें सिलेक्ट करना है रेंडर साइज। तो रेंडर साइज जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला फुटेज का साइज जो है वो ये वाला अपना जो फुटेज ऑलरेडी सेट सेट करके रखा हूँ तो उसमें चला जाएगा, वो मैच हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें ये रे स्केल वाला नोट जो चाहिए है वो नहीं चाहिए, तो ये अभी के लिए मैं डिलीट कर दूंगा। तो इमेज को फिर से मुझे व्यू में कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी ये क्रोमा को फर्स्ट हटाएंगे,
उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऐड में जानना है और मैट में। मैट में जाने के बाद बहुत सारे आपका की करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी यहाँ पे की वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली जो फेवरेट लगता है वो किंग वाला ऑप्शन। तो किंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बस छोड़ देना है। जैसे छोड़ देंगे यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है बीच में, राइट। उसके बाद यहाँ पे की कलर में आना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पिकर कलर पिकर ऑप्शन मिलेगा, तो ये इसको क्लिक करना है आपको। और जैसे ही कलर पिकर क्लिक किया, एक कलर पिकर का एक आइकन आ जाएगा और यहाँ पे ग्रीन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने ग्रीन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये ग्रीन स्क्रीन एक झटके में हट चुका है, क्योंकि ये बहुत ही इवन कलर था, राइट। तो अगर आपका जो ग्रीन स्क्रीन है ये इवन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे डार्क लाइन वगैरह है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके आप देख सकते हो। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आराम से चला गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला फुटेज लेंगे, तो उसके लिए भी इनपुट में जाएंगे और मूवी क्लिप को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मूवी क्लिप दूसरा एक ले लिया, उसमें भी मैं ओपन में जाऊँगा और यहाँ पे सी जहाँ पे लिखा है ऊपर जाके जो पाथ है मेरा उसको मैं डालूंगा। तो दूसरा जो वीडियो है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा फुटेज, ये दूसरा वाला मेरा फुटेज आ चुका है, लेकिन इसको भी अभी मुझे ऐड करना है व्यूअर से। व्यूअर से ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें और एक नोट चाहिए। वो नोट का नाम है अल्फा ओवर। ऐड में जाएंगे और देखना पड़ेगा ये कहाँ पे आता है, कलर, कलर के अंदर अल्फा ओवर नाम का एक नोड है। नहीं तो आप सीधा यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, आपको अगर याद है तो यहाँ पे जाके टाइप करने से ही आ जाएगा, ALPHA अल्फा। ये देखिए अल्फा ओवर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ इस अल्फा ओवर का नोड का काम क्या है, अगर आपको दो फुटेज अगर मर्ज करना है तो ये अल्फा ओवर हमेशा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक की करके एक लिया है, ये सब्सक्राइब वाला बटन, उसके पीछे आपको बैकग्राउंड डालना है, तो ये अल्फा ओवर ही आपको काम आएगा। तो अल्फा ओवर को हम लोग अभी ऐड कहाँ करेंगे, अल्फा ओवर के इसको यहाँ पे बीच में कनेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे इमेज है, इमेज को ये यहाँ पे नीचे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अपना सब्सक्राइब वाला है ये फोरग्राउंड में होना चाहिए। तो ये वाला जो इमेज है ये फोरग्राउंड वाला है, और ये वाला जो इमेज यहाँ पे दिख रहा है तो ये बैकग्राउंड के लिए है। तो ये क्या करेंगे, ये वाला इमेज यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो देखिए ये बैकग्राउंड में मेरा जो फुटेज है वो आ चुका है, राइट। और ये देखिए ये सामने अपना जो सब्सक्राइब वाला बटन है, जो अपना फुटेज है वो आ चुका है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों फुटेज का रिजोल्यूशन सेम है, 1920x1080। तो हमें कहीं पे भी जो ये वाला ऑप्शन है स्केल वाला जो है वो ऐड नहीं करना है। ये हो चुका है यहाँ तक, राइट। उसके बाद हमें और एक चीज़ करना है, अगर मान लीजिए ये सब्सक्राइब बटन आपको छोटा या बड़ा करना है, तभी भी आपको ये क्लिप के अंदर एक स्केल बटन, स्केल जो नोड है वो उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक हो चुका है, अभी क्या है, फाइनली ये कंपोजिट जो नोड है उसका क्या काम है। तो अगर वहाँ उससे हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर, पहले अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये अल्फा ओवर जो है, तो यहाँ से इसको और एक ऐसा लाइन लाने के बाद इसके ऊपर कनेक्ट करना है। अगर इसको हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये रेंडर नहीं होगा, ओके। तो यहाँ तक हो चुका है, और अभी एक बार प्ले करके देखते हैं कि हम लोग का ये जो सब्सक्राइब बटन है ये आया कि नहीं। ये धीरे धीरे प्ले होगा, जैसे ही पॉज मारेंगे तो वो फुटेज कुछ फ्रेम के बाद वो दिखाएगा। तो देखिए ये आ चुका है अपना फुटेज के ऊपर। और एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम है, राइट। तो स्टार्ट फ्रेम तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, और एंड फ्रेम जो है ये अभी बाय डिफॉल्ट 250 है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो अगर मान लो 1000 फ्रेम का आपका शॉट है तो उसको यहाँ पे चेंज कर देना है, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। और फाइनली हमें उसको क्या करना है, रेंडर करना है। तो रेंडर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो जाके आप जरूर चेक कर लेना। और वो मैं ब्लेंडर वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वो भी आप जाके जरूर चेक कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आज के वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।